एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा सभी कैटेगरीज को, लेकिन जो कैटेगरी आती है SC ST एक्स सर्विसमैन तो आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पे करना नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI ब्रांच के थ्रू, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो 4 मार्च के पहले आपको पेमेंट कर देना है, ये रात तक चालू रहने वाली प्रोसेस, आपको रात के 12 बजे से पहले यहाँ पे पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे पेमेंट हो जाने के बाद में डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर ही दिए थे, आपका इस तरह से फॉर्म आपको दिखाई देने लगेगा, यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको एक बार रीचेक कर लेना पड़ेगा और उसी के बाद में आपको इसका प्रिंटआउट निकाल के रख लेना है। तो आप प्रिंटआउट निकाल सकते हो या फिर PDF भी इसका सेव करके रख सकते हो। तो गाइस ये तो हो गई बात एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन किस तरह से करना है वो हमने डिस्कस किया। बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो यहाँ पर आपका PET यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो PET और PST का आपको क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें आपका 5 किलोमीटर रनिंग रहने वाला है जो कि आपको 24 मिनट्स में क्लियर करना पड़ेगा। तो 5 किलोमीटर रनिंग इन 24 मिनट्स, तो ये PET यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका रहेगा। गाइज अभी बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको पहले ही हाइट और चेस्ट बता रखा था, तो वही यहाँ पे चेक किया जाने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर विथ एक्सपांशन। उसी तरह यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको रिलेक्शन दिया जाता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, तो वो भी आपको फिर से यहाँ पे दे रखा है, तो अभी हम इसकी बात करेंगे ही नहीं। अभी हम बात करते हैं रिटर्न टेस्ट की। तो यहाँ पर देखिए PET आपका हो गया यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, PST हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसके अंदर हाइट और चेस्ट चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। तो रिटर्न टेस्ट का क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो ये जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है, तो आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा या फिर आपका OMR बेस्ड भी हो सकता है यानी कि ऑफलाइन भी हो सकता है, पर ज़्यादा चांस है ऑनलाइन ही होगा कंप्यूटर बेस्ड। तो आप देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे यानी कि सब क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के लिए, उसी के बाद में पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि आपको जो मैथमेटिक्स रहेगा कॉम्पेयर टू बेसिक मैथमेटिक्स उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि आपको इसका सिलेबस चाहिए तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। उसी के बाद में इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे जिसके ऊपर आपका एग्जामिनेशन होगा। ड्यूरेशन आपको दिया गया है 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन रहेगा, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है, तो आपको बायलैंगुअल आपका एग्जामिनेशन रहेगा उसका कोई टेंशन आपको लेना नहीं है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन की डेट रहेंगी वो आपको एडमिट कार्ड के थ्रू पता ही चल जाएगा। एडमिट कार्ड आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आपको आंसर की भी यहीं पर मिल जाएंगी इस वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ से आप रीचेकिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपके रिटन टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे वो 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे आएंगे, बेसिकली साइंस सब्जेक्ट से, और उसी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और फाइनली आपका यहाँ पे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 10th की मार्कशीट चेक की जाएंगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके स्टेट का यहाँ पे चेक किया जाएगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स वो एनेक्चर 8th में आपको इसका परफॉर्मेंस दिया गया है। यदि आपके उसमें नहीं है, एक्स सर्विसमैन के पास में नहीं है, तो आप वहाँ से परफॉर्मेंस डाउनलोड कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे चेक किया जाएगा, और यदि आपके उसमें नहीं रहता है तो आप यहाँ पे एनेक्जर 3rd, एनेक्जर 4th, 5th में आपको उसका भी परफॉर्मेंस दिया गया है कैटेगरी वाइज SC ST OBC के लिए, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और उसी के अंदर आप देख सकते हो जिस भी कैंडिडेट्स को हाइट और चेस्ट में रिलेक्शन दिया गया है, यदि आप रिलेक्शन लेना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज मैंने आपको पहले बता दिया था, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। तो आपको ये एनेक्जर 6 के अंदर परफॉर्मेंस जो दिया गया है वो फिलअप करना पड़ेगा, यदि आपको रिलेक्शन चाहिए हाइट और वेट, हाइट और चेस्ट में, तो आपको ये फिलअप करना ही पड़ेगा। और उसी के बाद में रियॉट विक्टिम्स के लिए भी पैरा 5.21 में नोटिफिकेशन के अंदर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और आप वहाँ से वो पढ़ के आपको भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ऐसा भी बता रखा है। और यहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूज इनके लिए नेटिविटी और आइडेंटिटी का जो सर्टिफिकेट है उसका परफॉर्मेंस दिया गया एनेक्जर 7th में, तो वहाँ से आप वो डाउनलोड करके उसे फिलअप कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स तो बेसिक ही है, और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो आपको लाना ही पड़ेगा, वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, इसकी जानकारी आपको मिलने वाली है आगे, डेट्स आपको सब वो आगे बता देंगे। उसी के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि सिलेक्शन तो आपका एग्जामिनेशन सब हो गई है, अब सिलेक्शन किस तरह से
आपका लगाया जाएगा, किस तरह से आपका रिजल्ट लगाया जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए PET PST रिटर्न एग्ज़ाम और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम, इन सबको देखते हुए आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाने वाला है, आपका रिजल्ट लगाया जाने वाला है, मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए UR EWS एक्स सर्विस मैन, इनको रिटर्न एग्जामिनेशन में 35% चाहिए पास होने के लिए, और SC ST OBC कैटेगरी को 33% चाहिए पास होने के लिए एग्जामिनेशन में। और यहाँ पर जो आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी PET और PST और रिटर्न एग्जामिनेशन की, वो आपके स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज सेपरेटली लगा दी जाएंगी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। जितने वैकेंसी पे अलॉट की गई थी उसके हिसाब से उन सब पॉइंट्स को देखते हुए आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगाई जाने वाली है। तो इस तरह से मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, आप बिंदास होकर अप्लीकेशन कर सकते हो, मैंने अप्लीकेशन की प्रोसेस भी आपको बता दी है। यदि कोई भी डाउट आप कमेंट कर सकते हो, और हाँ गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, आपके साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, उन्हें बता दीजिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं और चैनल पे इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो मैं तो आपको अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।